हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ज्योग्राफी। बेसिकली क्या होता है ज्योग्राफी? एक बात बताइए, व्हाट इज द शेप ऑफ आवर अर्थ? इज इट फ्लैट और इज इट स्पेरिकल और इज इट ओवल? तो वो ओवल भी नहीं है, ना ही स्पेरिकल है, ना ही वो फ्लैट है। अपने अर्थ का एक्चुअल शेप जो है वो है जियर्ड। जियर्ड यानी क्या? यानी कि अपना अर्थ जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन से कंप्रेस्ड है और साइड से स्प्रेडेड है। ओके, तो इस शेप को कहते हैं जियर्ड। और इसी जियर्ड से एक टर्म निकलता है जियो, और फिर उससे बनता है जियोग्राफी। बेसिकली अपन जियोग्राफी में स्टडी करेंगे अपने अर्थ के बारे में। तो आपको एक चीज तो पता ही होगी कि अपना अर्थ जो है वो चार स्पीयर से बना हुआ है। वो कौन से हैं? एटमॉस्फियर, बायोस्फियर, लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर। ठीक है, इन चारों स्फीयर्स को मिलाकर बनता है अपना अर्थ। तो लिथोस्फीयर में हमने जाना कि अर्थ के अलग अलग लेयर्स होते हैं। ओके, सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है इनर कोर, फिर उसके बाद में आता है आउटर कोर, उसके बाद में आता है मैग्मा, और फिर आता है क्रस्ट। अब आप इमेजिन कर लीजिए, आपके पास में एक स्टीम पोटैटो है। ओके, वो बहुत ही हॉट है, 5 मिनट्स उसको रख दीजिए, वो कूल हो गया। अब उसके अंदर अपना फिंगर को पोक कीजिए। ओके, क्या हो जाएगा? आपकी फिंगर जल जाएगी। ओके, जो मतलब जिस तरीके से वो पोटैटो सिर्फ बाहर से ही कूल हो चुका है, अंदर से वो हॉट है, उसी तरीके से अपना अर्थ है, बाहर से वो कूल है। ओके, उसका आउटर मोस्ट लेयर जो है अपने अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत ही कूल है, लेकिन जो उसका इनर मोस्ट लेयर है वो बहुत ही हॉट है। ओके, अब अपने अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि जो क्रस्ट, ओके, इसके ऊपर जितने भी लैंड मासेस आ गए उन्हें हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। यानी कि क्या क्या आता है टेक्टोनिक प्लेट्स में? कॉन्टिनेंट्स आते हैं और सी बेड आता है। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक सर्फेस लेवल नॉलेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से। आज हम स्टडी करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। आप कहोगे ये तो अपने सिलेबस में ही नहीं है, क्या होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस? बेसिकली आपके सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं, एंडोजेनिक मूवमेंट, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 1, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट पार्ट 2। ओके, अब हम इन तीनों चैप्टर्स को कंबाइन करेंगे। ओके, बेसिकली जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? वही होता है एंडोजेनेटिक मूवमेंट एंड एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। लेकिन आज हम इस चैप्टर को इस तरीके से स्टडी करेंगे ताकि आप इसको एकदम अच्छे से समझ पाओ, इतने अच्छे से समझ पाओ कि आप खुद इसे आंसर कर सको। इस वीडियो में हम 3 चैप्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे। स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड और CBSE 7th स्टैंडर्ड दोनों ही इस वीडियो को रिफर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज जियोमॉर्फिकल प्रोसेस? बेसिकली जियोमॉर्फिकल प्रोसेस आर द प्रोसेसेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड अल्टरेशन ऑफ लैंडफॉर्म। यानी जियोमॉर्फिक प्रोसेस ही वो प्रोसेस है जिनके वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब लैंडफॉर्म्स क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स, प्लेटू, माउंटेन्स, सी बेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी। सो बेसिकली देर इज अ फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ सर्फेस एंड इट्स नेचुरल फोर्सेस, और इन्हीं की वजह से फॉर्म होता है लैंड। ओके, अब यहाँ पे हम 2 टर्म्स को समझेंगे। ओके, ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, मूवमेंट ऑफ अर्थ और अर्थ मूवमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है? सुनने में तो दोनों सेम ही लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ अर्थ, उसका मीनिंग होता है कि हम अर्थ को एज ए एंटिटी कंसिडर करते हैं। यानी कि अर्थ जब रेवोल्यूशन करता है या फिर रोटेशन करता है तो वो होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, लेकिन नहीं, जब हम कहेंगे अर्थ मूवमेंट तो उसे क्या कंसिडर किया जाएगा? अर्थ मूवमेंट यानी कि अर्थ के अंदर के जो लेयर्स है, जैसे मैंने पहले बताया इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, जब इन लेयर्स के अंदर कुछ मूवमेंट आते हैं तो उसे कहा जाता है अर्थ मूवमेंट। और इन अर्थ मूवमेंट्स की वजह से ही लैंडस्लाइड्स फॉर्म होते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट आता है। तो अब हम क्लासिफाई करेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को 2 पार्ट में, वो है एंडोजेनेटिक मूवमेंट और दूसरा एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। अब आपको नाम से ही पता चल जाएगा, एंडोजेनेटिक मूवमेंट यानी क्या? वो अर्थ के इंटीरियर वर्क कर रहा है, और एक्सोजेनेटिक यानी क्या? वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहा है। एंडोजेनेटिक मूवमेंट को क्रिएटिव फोर्सेस भी कहा जाता है, वेरस एक्सोजेनेटिक मूवमेंट को डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि उसके वजह से डिजास्टर्स आते हैं। और एंडोजेनेटिक मूवमेंट को क्रिएटिव फोर्सेस के लिए कहा जाता है क्योंकि उनके वजह से ही अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब ये जो क्रिएटिव फोर्सेस है एंडोजेनेटिक मूवमेंट के, इसे हम 2 कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और दूसरे होते हैं वर्टिकल मूवमेंट। ओके, अब हमें आइडिया आ चुका होगा कि क्या होता है एंडोजेनेटिक मूवमेंट और क्या होता है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एंडोजेनिक मूवमेंट से। अब ये जो एंडोजेनेटिक मूवमेंट है, इसे हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। वो कौन से है? स्लो मूवमेंट और सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट को यहाँ पे एक और टर्म दिया गया है, वो है डायस्ट्रोफिज्म। ओके, अब इसके अंदर भी 2 फोर्सेस आते हैं, एक होते हैं हॉरिजॉन्टल और एक होते हैं वर्टिकल। अब जो वर्टिकल फोर्सेस होते हैं यहाँ पे उन्हें कहा जाता है एपिरोजेनिक, और जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होते हैं उन्हें कहा जाता है ओरोजेनिक। तो क्या होता है एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक? एपिरोजेनिक यानी कि बेसिकली एपिरो मतलब लैंड, और ओरोजेनिक यानी फॉर्मेशन। यानी कि एपिरोजेनिक फोर्सेस की वजह से लैंड फॉर्मेशन होता है, जैसे कि अपना कॉन्टिनेंट बिल्डिंग्स हो गया। ओके, एपिरोजेनिक फोर्सेस की वजह से कॉन्टिनेंट्स बने हैं और डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ओके, वेरस ओरोजेनिक मूवमेंट की वजह से क्या होता है? माउंटेन्स बिल्ड होते हैं।
ओके, ओरो यानी माउंटेन और जेनी कैनी फॉर्मेशन। ये तो हो गया स्लो मूवमेंट, अब बात करते हैं सडन मूवमेंट्स के बारे में। तो सडन मूवमेंट्स के अंदर हम कंसीडर करेंगे तीन वेव्स को। वो थ्री वेव्स कौन से हैं? पी वेव, एस वेव और एल वेव्स। ओके, तो अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन को। बेसिकली यहाँ पे थ्री टाइप ऑफ माउंटेन्स हैं, वो है ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन और वॉल्केनिक माउंटेन। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉक माउंटेन से। आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ये माउंटेन का जो शेप होगा वो ब्लॉक्स लाइक होगा। आप डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरीके से वो माउंटेन फॉर्म हो चुके हैं। बेसिकली होता क्या है कि लैंड फॉर्म के अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है, और उस स्ट्रेस के आने की वजह से जो बीच वाला पोर्शन होगा वो नीचे चला जाता है। ओके, और इस तरीके से फॉर्म होता है ब्लॉक माउंटेन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। तो जिस तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं लैंड फॉर्म पे स्ट्रेस आने की वजह से, फोल्ड माउंटेन्स उसके ऑपोजिट होते हैं। ओके, फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं टेंशन की वजह से, कंप्रेशन की वजह से। ओके, बेसिकली ये लैंड है तो लैंड के ऊपर कंप्रेशन आने की वजह से फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। और फोल्ड माउंटेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि फोल्ड माउंटेन की हाइट जो होती है वो उसके विड्थ से कहीं ज्यादा होती है। फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल्स है हिमालयास, एंडीज और एटलास। ओके, इसके अलावा फोल्ड माउंटेन्स की वजह से वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी होती है। आगे बढ़ते हैं हम वॉल्केनिक माउंटेन्स के। अब यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस हम देख सकते हैं, वो है एक्टिव वॉल्केनोस, डोरमेंट वॉल्केनोस और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। एक्टिव वॉल्केनोस यानी क्या? जो कंटिन्यूसली कभी भी बस्ट हो सकते हैं। और डोरमेंट वॉल्केनोस यानी क्या? जो फ्रिक्वेंटली बस्ट नहीं करते। डोरमेंट वॉल्केनोस यानी क्या? जो फ्रिक्वेंटली बस्ट नहीं करते। ओके, वेरस एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस क्या? जो कंप्लीटली बुझ चुके हैं, जो बस्ट ही नहीं करेंगे कभी। ओके, लेकिन आप वॉल्केनोस जो है उसके कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी है और डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स भी है, तो उसे अब हम जानेंगे। अब वॉल्केनोस के कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट ये है कि वॉल्केनोस के वजह से हमें डायमंड, सल्फर, निकल और बाकी के कुछ प्रीशियस स्टोन्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वहाँ की सराउंडिंग की लैंड भी फर्टाइल हो जाती है। इसके अलावा वॉल्केनोस जो है वो टूरिज्म के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं, वॉल्केनिक स्पॉट्स। ओके, अब इसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या है? अब इसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स है कि जब जब भी वॉल्केनो इरप्ट होगा तो उसमें से हार्मफुल गैसेस निकलेगी, लाइफ का डेंजर है। ओके, कुछ अंडर वाटर वॉल्केनोस भी होते हैं जिनके इरप्शन से सुनामीज भी आ सकती है। आगे बात करेंगे हम अर्थक्वेक के बारे में। ओके, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थक्वेक भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकते हैं अर्थक्वेक के। ओके, वो क्या है? जैसे कि सुनामीज। ओके, उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज, इन रीजंस की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। लेकिन आज के डेट में मॉडर्न साइंस की हेल्प से हम अर्थक्वेक को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और जिस लोकेलिटी में अर्थक्वेक आने वाला है हम उस लोकेलिटी के लोगों को अर्थक्वेक से पहले ही किसी और रीजन में शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली अर्थक्वेक ऑकर कैसे होता है, कैसे फॉर्म होता है अर्थक्वेक? तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से या फिर किसी और भी रीजन की वजह से क्या होगा, जो अपने लेयर्स ऑफ अर्थ है उनके बीच में सडनली कुछ मूवमेंट स्टार्ट होगी। ओके, उनमें से कुछ वेव्स निकलेंगे, और जहां से भी ये वेव्स निकलते हैं उसे हम कहेंगे, उसके सेंटर को कहेंगे एपिसेंटर। ओके, तो अब यहाँ पे हमें थ्री टाइप्स ऑफ वेव देखने को मिलती है, वो कौन सी है? पी वेव, एस वेव और एल वेव्स। ओके, पी वेव्स यानी क्या? प्राइमरी वेव, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव, और एल वेव्स यानी इसे हम सिस्मिक वेव कंसिडर करेंगे। सिस्मिक वेव, अब सिस्मिक क्या होता है? बेसिकली जब भी अर्थ के लेयर्स में कोई टेंशन आएगा तो फर्स्ट वेव निकलेगी, वो की प्राइमरी वेव जो एकदम सडन होगी। ओके, फिर धीरे धीरे स्टार्ट होगी सेकेंडरी वेव। ओके, और सेकेंडरी वेव ज्यादा इंपैक्टफुल होगी फर्स्ट वेव से भी। ओके, देन आती है सिस्मिक वेव जो अर्थ के सरफेस पे परफॉर्म होती है। आपने मूवीज में देखा होगा कि अर्थक्वेक कभी भी डायरेक्टली नहीं आता, लोगों को पहले एक झटका लगेगा। ओके, फिर बाद में उनके घर और दीवारें हिलने लगेंगे। ओके, और उसके बाद में अर्थक्वेक ऑकर होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि पहले प्राइमरी वेव्स आएगी यानी पी वेव आएगी, फिर आएगी सेकेंडरी वेव, और उसके बाद में आती है अपनी सिस्मिक वेव्स या फिर एल वेव्स। तो अब स्टार्ट करेंगे हम एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से। तो बेसिकली एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को स्टार्ट करने से पहले हम तीन प्रोसेसेस को जानेंगे, वो है डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन और ग्रेडिएशन। तो क्या होते हैं तीन प्रोसेस? डिग्रेडेशन में बेसिकली क्या होगा, अ माउंटेन इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। ओके, स्मॉल पीस ऑफ रॉक। अभी जो ब्रेकडाउन हो रहा है माउंटेन का, इस ब्रेकडाउन के होने के बाद में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हो गए, वो डस्ट पार्टिकल कहीं और जाके सेटल हो जाएगी, ये होता है एग्रेडेशन। ओके, अब इन दोनों प्रोसेसेस को मिला के जो प्रोसेस बनती होती है ग्रेडिएशन। बेसिकली ग्रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच लैंड फॉर्म्स आर फिल्ड इन इक्वल लेवल। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, वो होता है वेदरिंग और इरोजन। बेसिकली वेदरिंग इज द डिसइंटीग्रेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक विदाउट मूवमेंट, एंड इरोजन इज द डिसइंटीग्रेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक विद मूवमेंट्स। ओके, वेदरिंग का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सपोज एक माउंटेन है, अब माउंटेन से पीस ऑफ रॉक तो टूट गया, अब वो पीस ऑफ रॉक डायरेक्टली नीचे गिर गया विदाउट एनी मूवमेंट।
तो ये होता है वेदरिंग। यही इरोजन में क्या क्या आएगा, लाइक मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और फ्रोस्ट, विंड, ये सारी चीजें विदाउट मूवमेंट होती है, तो इसे हम इरोजन में कंसिडर कर सकते हैं। अब वेदरिंग के अंदर भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, लाइक फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो अब हम इसी को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल वेदरिंग से। फिजिकल वेदरिंग जो होती है वो चार चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, वो होती है टेम्परेचर, फ्रोस्ट एक्शन, विंड और मॉइस्चर। तो स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर से। फिजिकल वेदरिंग बाय टेम्परेचर को ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एग्जांपल ले गए डेजर्ट रीजन का। ओके, ड्यूरिंग डे टाइम इट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। इन डेजर्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज एक्सपेंशन एंड इन नाइट टाइम देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। किस चीज का? ओके, बेसिकली जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स के अंदर कुछ क्रैक्स हो गए। डे टाइम में हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये क्रैक्स एक्सपांड हो गए, और नाइट टाइम में कोल्ड टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, ये जो क्रैक्स थे वो कॉन्ट्रास्ट करेंगे। ओके, तो ये सडन मूवमेंट जो होती है वो एक दिन की नहीं होती, ये कंटिन्यूसली कई पीरियड तक, एक लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है, फिर अल्टीमेटली एक दिन उस माउंटेन से या फिर उस रॉक से कुछ पीसेस ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन के बारे में। क्या होता है ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन? अब ये जो रॉक के पीसेस टूट गए हैं, यही रॉक के पीसेस अब छोटे छोटे ग्राइंड अप होकर और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को कहते हैं हम ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। थर्ड हम पढ़ते हैं फ्रोस्ट एक्शन के बारे में। फ्रोस्ट एक्शन क्या होता है बेसिकली? अब ये जो क्रैक्स है उन क्रैक्स के अंदर कंटिन्यूसली वाटर डिपॉजिट हो जाता है। ओके, कंटिन्यूसली नहीं, एक सर्टन पीरियड में वाटर डिपॉजिट हो जाता है। अब ये वाटर डिपोजिशन जो है वो कभी फ्रीज हो जाएगा, कभी मेल्ट हो जाएगा, कभी फ्रीज हो जाएगा, कभी मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कंटिन्यूसली फ्रीजिंग और मेल्टिंग की वजह से क्या हो जाएगा, ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। ओके, तो इसी को कहते हैं हम फ्रोस्ट एक्शन। फोर्थ है एक्सप्लोजन। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या हो रहा है, रिमूविंग एंड पीलिंग ऑफ ऑफ आउटर सर्फेस ऑफ रॉक। ओके, जैसे हम एक ऑरेंज के पील्स को पील ऑफ करेंगे, उसी तरीके से क्या होता है, रॉक के आउटर लेयर्स को पील ऑफ किया जाता है, ह्यूमन एक्शन से नहीं बट नेचुरली हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम केमिकल वेदरिंग की तरफ। अब केमिकल वेदरिंग में भी चार प्रोसेसेस हैं, वो है सॉल्यूशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और कार्बोनेशन। अब ये जो केमिकल वेदरिंग है ये भी चार फैक्टर्स की वजह से होती है, वो होती है वेदर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिक एसिड्स और ऑक्सीडेशन की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन केमिकल वेदरिंग। ओके, मिनरल्स और रॉक्स गेट डिपॉजिटेड इन टू वाटर। ओके, कौन से मिनरल्स? सेडिमेंट्री मिनरल्स या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉर एग्जाम्पल जिप्सम एंड बेसल्ट। नेक्स्ट इज कार्बोनेशन। ओके, क्या होता है बेसिकली कार्बोनेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट्स विद ईच अदर एंड फॉर्म ऑर्गेनिक एसिड। ओके, और इसके वजह से होता है डिसइंटीग्रेशन। वी कैन ऑब्जर्व कार्बोनेशन केमिकल वेदरिंग इन लाइमस्टोन एंड मार्बल। थर्ड इज ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है ऑक्सीडेशन में? रॉक एंड ऑक्सीजन, ओके, दोनों रिएक्ट करते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी कि रस्टिंग। ओके, सही सुना आपने, रस्टिंग। जैसे आयरन रॉड को रस्टिंग पकड़ लेती है, रस्टिंग हो जाती है आयरन रॉड के साथ में, उसी तरीके से रॉक के अंदर भी कुछ आयरन के सेडिमेंट्स हो गए, उस सेडिमेंट्स के साथ में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो रॉक्स में भी रस्टिंग हम देख सकते हैं। लास्ट वन इज हाइड्रेशन। ओके, हाइड्रेशन की वजह से क्या होता है? वाटर की वजह से रॉक के केमिकल कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैन, एनिमल्स, इंसेक्ट और प्लांट, रूट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, एक्सट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन, ओके, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, इन सारी एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकती है। इसे हम मैन मेड वेदरिंग भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लांट की वजह से कहते हैं, रूट ऑफ प्लांट्स की वजह से कैसे, क्योंकि रूट ऑफ प्लांट्स बिकॉज इट पेनिट्रेट द सॉइल। तो प्रीवियसली अपन ने देखा ग्रेडिएशन क्या होता है, उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, वो एक होता है डिग्रेडेशन और एक होता है एग्रेडेशन। ओके, अभी हम देखेंगे डेनुडेशन एंड ग्रेडिएशन। ग्रेडिएशन क्या है वो तो हमें समझ में आ गया, अब हम देखेंगे डेनुडेशन के बारे में। बेसिकली डेनुडेशन के फोर स्टेप्स है, वो है वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। सो लेट्स स्टार्ट विद रिवर डेनुडेशन। बेसिकली रिवर डेनुडेशन में क्या होगा, इरोजन होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा। सो स्टार्ट करते हैं रिवर डेनुडेशन से। क्या होगा बेसिकली रिवर डेनुडेशन में? रॉक पार्टिकल्स आर ग्राइंडेड एंड बिकम स्मॉल। ओके, एंड फर्दर दे आर इरोड एंड ट्रांसपोर्टेड टू अनदर प्लेस। बेसिकली हाइड्रोलिक प्रेशर टुक अवे स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक एंड मिनरल। ओके, एंड लेटर दे आर डिजॉल्व इन वाटर एंड इंक्रीजेस देयर सॉल्युबिलिटी। नाउ विंड डेनुडेशन, बेसिकली इसमें भी दो प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, स्मॉल पार्टिकल्स आर पॉलिश्ड। ओके, एंड सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, दे आर टेकन अवे टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट इज विंड डेनुडेशन। अब इसमें भी दो प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स आर पॉलिश्ड एंड टेकन अवे फ्रॉम वन प्लेस। सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा, नाउ दी सॉइल पार्टिकल्स विल सेटल्ड टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर। ओके, ग्राउंड वाटर कहाँ से मिलेगा अपने को, ग्राउंड से मिलेगा, लेकिन ग्राउंड के अंदर भी दो टाइप के रॉक्स होते हैं, एक होता है एम्पेरियस रॉक और दूसरा है पेरियस रॉक।
पेरिस रॉक जो है वो एम्पेरियस रॉक के एग्जैक्टली नीचे ही होता है और उसके नीचे आएगा वाटर का स्टोरेज। ओके, जो एम्पेरियस रॉक है उसके अंदर क्रैक्स होते हैं, वेरस पेरियस रॉक्स के अंदर क्रैक्स नहीं होते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लेशियर। व्हाट इज अ ग्लेशियर? ग्लेशियर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ आइस, लार्ज पीसेस ऑफ आइस दैट मेल्ट्स एंड फॉर्म रिवर। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लेशियर। दे आर वैली ग्लेशियर विच आर प्रेजेंट इन माउंटेन रीजन, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर विच आर प्रेजेंट इन पोलर रीजन, और थर्ड है पैडामेंट ग्लेशियर विच आर प्रेजेंट एट द फुटहिल्स ऑफ माउंटेन। इसके बाद हम आते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। तो क्या कॉजेस होते हैं सॉइल इरोजन के, क्या होता है सॉइल इरोजन? बेसिकली सॉइल इरोजन इज द लॉस ऑफ टॉपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ओके, सॉइल इरोजन इज द कॉज ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। ओके, विच लीड्स टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी, पुअर ड्रेनेज, एंड उसके कॉजेस होते हैं रेन वाटर, फार्मिंग, स्लोप या फिर लैक ऑफ वेजिटेशन। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर थ्री चैप्टर्स इन जस्ट वन वीडियो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। इफ यू लाइक आवर वीडियो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, विल मीट सून विद अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।